जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाहरी जिलों से आए थिएटर कलाकारों ने शिक्षकों को लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम सिंह मावड़ी ने बताया कि शिक्षकों को नाट्य मंचन के माध्यम से शिक्षण कराने की जानकारी दी जा रही है, ताकि बच्चों को शिक्षण के साथ साथ उनकी रचनात्मक क्षमता का भी विकास हो सके। बताया कि जिले के 40 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। मैम, इसमें जो हमने थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम रखा है, निश्चित रूप से इसमें हमने जो है 40 टीचर्स को पूरे जनपद से जिनकी रुचि है, इसमें सभी स्तरों के जो हैं टीचर्स आए हैं, प्राथमिक स्तर से भी आए हैं, उच्च प्राथमिक स्तर से भी, माध्यमिक स्तर से भी हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि थिएटर इन एजुकेशन, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जीवन के हर क्षेत्र को समझने के लिए सामान्य, जैसे हम विज्ञान और गणित पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान विषय और इतिहास अर्थशास्त्र, इनकी जानकारी आवश्यक है। इस उसी तरह रंगमंच और नाटक जो है, नाटक भी जीवन को रचनात्मक तरीके से सोचने और उसके सहारे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है। और शिक्षण में थिएटर जो है, इसको हिंदी में नाट्य संयोजन कहते हैं, बच्चों में अभिव्यक्ति और रचनात्मकता विकसित करने का बेहतरीन माध्यम है, और सीखने सिखाने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी रंगमंच एवं नाटक एक बेहतरीन माध्यम है। और निश्चित रूप से जहाँ तक अगर इस शिक्षक इस तरीके से, जैसे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पाठ्य पुस्तक में जो नाटक है या पाठ्य पुस्तक में जो नाटक दिए रहते हैं, उनको जो है उनका मंचन जो है शिक्षक हमारे कर पाएँ और मनोरंजक तरीके से जो है उनको ज्ञान प्रेषित कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।